हाय दोस्तों, कैसे हम सब एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके घरों में जब आप झूमर या फिर शैंडिलियर्स को लगाते हैं तो उस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो एरिया के हिसाब से किस साइज का झूमर को ले। तो उसके लिए जो एक फार्मूला है और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो झूमर है वो सही प्रपोर्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है उसी के बारे में जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फार्मूले के बारे में बात करते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जैसे कि मान लिया आपके रूम का जो साइज़ है वो आपको निकाल लेना है। जैसे कि मान लिया आपका रूम का साइज़ है 10x12 का एक रूम है और उसमें जो है आपको एक निकालना है कि जो आप झूमर लगाएंगे उसका क्या साइज़ होना चाहिए। तो देखिए सिंपली है, जैसे मान लिया 10x12 का आपका रूम है, 10x12 का, तो 10 और 12 इन दोनों को आप जो है वो प्लस कर लीजिए। तो 10 और 12 को जब आप प्लस करेंगे तो आएगा 22। तो 22 अगर आप अब जो है आपने प्लस किया है फिट को लेके, अब जो वैल्यू आएगी उसको आपको फिट नहीं कंसीडर करना, उसको आपको कंसीडर करना है इंचेस में। तो वैल्यू आएगी 22 इंचेस। तो 22 इंचेस जो है वो मिनिमम आपका डाया होना चाहिए शैंडलियर का। और इसमें एक सिंपल सा एक रूल और है कि इसमें आप ऐड कर दीजिए 5 इंचेस को और। तो जब आप 22 में आप ऐड करेंगे 5 इंचेस और तो वैल्यू आएगी 27 इंचेस। तो अब जो आपके पास जो एक वैल्यू बन रही है वो बन रही है 22 इंचेस से लेकर के 27 इंचेस तक। यानी अब जो वहाँ पे शैंडिलियर आपको लगाना है वो मिनिमम जो है वो 22 इंचेस का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 27 इंचेस, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू का आपको वहाँ पे शैंडिलियर लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आपके रूम में जो शैंडिलियर है जो झूमर है वो एक सही प्रपोर्शन में लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस साइज का झूमर आपको लगाना है कितने एरिया वाले रूम में। अब इसी तरीके से जैसे मान लिया आपने एक किचन में शैंडिलियर लगाना है, तो किचन में जैसे मान लिया आपका किचन में जो है आपका आइलैंड है, तो आइलैंड की जो विड्थ और जो लेंथ है इन दोनों को ही आपको जो है प्लस कर देना और सिमिलर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपका जो किचन है वो 6x9 का है, तो 6x9 आपका किचन का साइज है जो कि आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है। तो 6+9 15, यानी कि 15 इंचेस, इसमें ऐड कर दीजिए 5 इंचेस और तो 20 इंचेस। यानी तो वहाँ पर अब जो शैंडिलियर लगेगा वो 15 इंचेस से लेकर के आपका 20 इंचेस तक के बीच का लगेगा। अब इसमें सेकेंड चीज़ आती है हाइट। तो अब हाइट को किस तरीके से मेजर करना है, तो हाइट का भी एक फॉर्मूला होता है। तो हाइट का फॉर्मूला बेसिकली जो आपकी जो सीलिंग हाइट है आप सीलिंग हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से और इसी तरीके से फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट को 3 से और फिर जो वैल्यू आएगी उसको तो आपस में माइनस कर दीजिए। तो उसके बाद जो आपको आपके फिक्सर की कितनी आपको जो है वो हाइट रखनी है वो चीज़ पता चल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर पे हम स्कॉन्सेस के बारे में। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं दिखने में कुछ इस तरीके से रहता है और जो आपके जो मिरर्स होते हैं या फिर जो आर्ट्स होते हैं तो वहीं पर जो है इस लाइट को इंस्टॉल किया जाता है। तो इसको किस तरीके से कितनी हाइट में इंस्टॉल करना है तो इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल बात करते जैसे कि आपका मिरर है, मिरर की जो हाइट है वो 30 इंचज है, ठीक है। तो 30 इंचज है तो सिंपली इसको जो मिरर की जो हाइट है तो उसको जो है आपको 1/3 और 1/2 से, यानी 1/3 और 1/2 से दोनों से आपको डिवाइड करना है और 1/3 वाली वैल्यू को जो है वो हाफ वाली वैल्यू से माइनस कर देना और जो भी वैल्यू आएगी उतना आपको मिरर की हाइट से आपको ऊपर रखना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ। जैसे मान लिया 30 इंचज आपके मिरर की हाइट है तो उसको आप जो है 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आएगी 10 इंचज और फिर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15 इंचज। तो मतलब कि जो मिरर का जो बेस है वहाँ से लेकर के 10 इंचज से लेकर के 15 इंचज तक के बीच में आप जो है इस कॉन्सेप्ट लाइट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लाइट्स को कितनी हाइट पे लगाना है, क्या साइज लेके जाना है, तो उसके कुछ फॉर्मूलेस को मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये जो थंब रूल है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।